अरे यार कहाँ रह गई, ये आई क्यों नहीं अब तक, इतनी देर हो गई। अरे क्यों परेशान हो रहा है भाई, आ जाएगी वो। यार आज घर से सोच के आया था मैं, आते ही प्रपोज कर दूंगा। अच्छा जी, लो आ गई मैं, अब करो प्रपोज। अरे यार वो मैं वो अब बोलना, अब बोल ना भाई, क्या हो गया बोल। जब तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था उसी दिन तुमसे प्यार हो गया था, उसी दिन से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ बट तुम्हें देखते ही सब कुछ भूल जाता हूँ। आज पूरा सोच के आया था कि तुमसे बात करूंगा बट आज फिर भी तुम्हें देखते ही सब कुछ भूल गया। अरे 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 रुक जाओ, सांस तो ले लो। अरे ये सांस लेना भूल सकता है लेकिन आपको नहीं भूल सकता। अच्छा अपना फोन दो। भाई मैं तो गया यार। भाई उसके हाथ लगाते तो सांस लेना भूल गया। कौन थे दोनों? पता करो कौन थे ये दोनों, अगर आज के बाद ही साथ देखे तो बता देना इन्हें। ए हवा भी दोस्त मेरी बन गई है, बोला कड़ियां नाल जदो बरसात हुई, मेरे कैण ते रोशनी भी चन देन लगा, तारियां दे नाल मेरी सी मुलाकात हुई, हुण ना मैनू तुप लगदी ना ठंड लगदी, ए हनेरा कदे भी मैनू डरावे ना, हो ना हो ये प्यार तेरे दा असर है, हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना, हो ना हो ये प्यार तेरे दा असर है, हुण जो मैनू नींद रात नू आवे। ऑनलाइन मंगा लेते हैं कुछ। हाँ तो मैं तुझसे पहले ही कह रहा हूँ कि मंगवा लेते हैं कुछ, पर नहीं तुझे ही बनना है मास्टर शेफ, बन ले अब। हाँ ले ले तू भी मजे ले ले। वो छोड़ उस लड़की का क्या हुआ? अरे कहाँ यार, उस दिन के बाद से मिली ही नहीं है, पता नहीं कहाँ ही गायब होगी। फिर अब क्या करना है? करना क्या है यार, एक दोस्त है अभी उसको बोला है मैंने, उसके घर का पता लगा रहा है, बस करेगा थोड़ी बहुत देर में फोन। ओए ले कॉल आ गई। अरे वहां लौंडे तुम तो मौज कर दी, ला जल्दी से लोकेशन सेंड कर। ठीक है चला, आ लिया आ लिया। हाँ हाँ बोल बोल। हाँ हाँ ठीक है ले आऊंगा, पहले फोन तो कट करने दे। ओए चल चल रहे हैं, उसका एड्रेस मिल गया। भाई आप होके आओ, मैं इतने कुछ खाने का बना दूं। ठीक है अच्छा ठीक है, चल मैं होके आता हूँ, तू बना। हाँ भाई बता कौन सा फ्लैट है? वो फर्स्ट फ्लोर वाला है। ले तेरा सौदा लेकर आया हूँ। ओह कुगा। अरे भाई तुमने तो मौज कर दी, चलो मैं आता हूँ 5 मिनट में। ठीक भाई।
आज तू निवस्ता बेटे, ओए पकड़ो इसे। हन्नी कहाँ है? इतना कुछ होने के बाद भी मन नहीं भरा क्या? मुझे हन्नी से मिलना है, कहाँ है वो? अंदर है। हन्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे भाई ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं घर से भाग गई हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम अभी सिचुएशन को नहीं समझ रही हो। मुझे नहीं समझना कुछ भी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। एक घर की इज्जत उस घर की बहन बेटी या फिर बहू से होती है, और ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ तुम भी उतना प्यार करती हो मुझसे। बट इस बात का ये मतलब नहीं है कि हम अपने प्यार के चक्कर में अपने घर वालों को बदनाम कर दें। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई हूँ और तुम मुझे बैठ के लेक्चर दे रहे हो। चलो उठो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं यार, मैं नहीं जा रही कहीं भी। चलो वरना मैं जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। अब चलो। रहने देते ना यार, नहीं जाना। मैं वैसे भी घर से भाग चुकी हूँ, अब दोबारा अंदर वो नहीं आने भी नहीं देंगे। कुटाई होएगी अलग। छोड़ो, चलो चलो यहाँ से। देखो ही ना, अगर हम आज भाग गए ना तो हमें पूरी जिंदगी भागते रहना पड़ेगा। हम कभी भी सामने नहीं आ पाएंगे, इस वजह से हम आज मिलके ही जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर वापस आने की? भाग गई थी ना, अब क्या करने आई है यहाँ पे? ये तो नहीं आना चाहती थी, पर मैं इसे जबरदस्ती लेके आया हूँ। और तू कौन होता है हमारी फैमिली मैटर के बीच में बोलने वाला? और तू इसके साथ क्या कर रही है? जब बात घर की इज्जत की हो ना तो उसमें अपनी फैमिली हो या दूसरे की, ये नहीं देखना चाहिए। बहुत देर लिए भाषण, चल जाया से। अकेले जाने के लिए थोड़ी आया हूँ, इसको साथ में लेके जाऊंगा। और जब तुम दोनों चले गए थे तो वापिस क्या करने आए हो? भागी जाते ना। मुझे बहुत अच्छे से पता है घर की इज्जत क्या होती है, और दूसरी घर की इज्जत डुबा के मैं अपने घर नहीं बसा सकता। अरे भाई, ये बात बोल के तूने मेरा दिल जीत लिया। भाई हम गांव के देसी हैं, और हमारे घर रिश्ता आज भी हमारे घर वालों की मर्जी से ही आ रहा है। अब भाई अपने घर पे शादी की तैयारी के लिए बोल दे। मेरा 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 तू ही मेरा मेरा।